जम्मू कश्मीर से आतंकियों का पूरा सफाया होकर रहेगा, शहीदों को भी इंसाफ मिलेगा, आतंकियों से हर एक बदला पूरा। जेकेएलएफ से कैसे 1990 का बदला पूरा होने जा रहा है, ये बड़ी खबर भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। जम्मू कश्मीर में प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी जेकेएलएफ के आतंकी जावेद नलका को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। आतंकी जावेद नलका पर 1990 में भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर समेत 4 जवानों की हत्या का आरोप है और उम्मीद यही है कि 29 साल बाद अब इस आतंकी हमले में वायुसेना के इन 4 जांबाजों को इंसाफ मिले। यही है वो आतंकी जिस पर कसा है सीबीआई का शिकंजा। नाम है जावेद अहमद मीर उर्फ जावेद नलका। 1990 में कश्मीर में वायुसेना के 4 जांबाजों की हत्या का आरोप है। 1990 की वो आतंकी घटना जिसका बदला अब पूरा हो सकता है, इससे जुड़ी पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जावेद अहमद मीर के बारे में पूरी जानकारी देश हित में देना जरूरी है। आतंकी जावेद अहमद मीर उर्फ जावेद नलका जम्मू कश्मीर के प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का सदस्य रहा है, जेकेएलएफ के मुखिया यासीन मलिक का करीबी रह चुका है, लंबे वक्त से जम्मू में नजरबंद है। 80 के दशक में जेकेएलएफ में शामिल होने से पहले कश्मीर के जलकल विभाग यानी वाटर वर्क्स डेवलपमेंट में काम करता था, इसलिए जावेद अहमद मीर का नाम जावेद नलका पड़ गया। अब आपको बताने की कोशिश करेंगे कि 1990 के एक बड़े आतंकी हमले से जावेद अहमद मीर का कनेक्शन क्या है। जम्मू कश्मीर में आतंक की शुरुआत 90 के दशक में हुई थी। 25 जनवरी 1990 में श्रीनगर के रावलपोरा में एक आतंकी हमला हुआ। इस हमले में स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना समेत वायुसेना के 4 जवान शहीद हो गए, एक महिला समेत 40 लोग जख्मी हो गए थे। बात खुद भी उसकी चाहना है कि हर गलती का सुधार करें। इस हमले की साजिश का आरोप जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर लगा। जेकेएलएफ प्रमुख यासीन मलिक समेत अन्य लोगों के साथ जावेद अहमद मीर को आरोपी बनाया गया। यासीन मलिक इस समय हिरासत में है और अब जावेद अहमद मीर पर भी शिकंजा कस चुका है। सीबीआई जावेद अहमद मीर को 23 अक्टूबर को टाडा कोर्ट में पेश करेगी। इसके बाद पूरे देश को उम्मीद यही है कि अदालत से स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना समेत 4 जाबाजों के परिवारों के पक्ष में फैसला सुनाया जाएगा और तब 29 साल बाद इन वायु सैनिकों की शहादत का बदला भी पूरा होगा। और देशभर में आगे बढ़ते हुए विधानसभा चुनावों की खबर। महाराष्ट्र चुनाव अपने आखिरी दौर में है, कल चुनाव प्रचार थम जाएगा, लेकिन अब महाराष्ट्र का रण पहुंच गया है वीर सावरकर पर। बीजेपी ने जब से सावरकर को भारत रत्न देने का संकल्प लिया है तब से एक सियासी रण सा छिड़ गया है। महाराष्ट्र के सातारा की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सावरकर के अपमान सातारा का गुस्सा सातवें आसमान पर अब पहुंच जाता है। तो ओवैसी और कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी अब गोडसे को भी भारत रत्न दे सकती है। सावरकर को क्यों नहीं भारत रत्न का हक, कांग्रेस ने क्यों नहीं बताया देश को सच। सावरकर जैसे राष्ट्र नायकों को ये बदनाम करने का प्रयास करते हैं तब सातारा का पारा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है। जहां प्रधानमंत्री मोदी ने सावरकर को राष्ट्र नायक बताया, सावरकर के अपमान पर जनता में उबाल बताया, तो कांग्रेस और ओवैसी ने बीजेपी के भारत रत्न वाले संकल्प पर हमला बोला। मुखालफत आइडियोलॉजी की है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी यही कहा है कि हम उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ हैं। अगर सावरकर को भारत रत्न दिया जा रहा है तो ये सरकार आगे चल के गोडसे को भी भारत रत्न दे सकती है। शायद वीर सावरकर न होते तो सन 57 की क्रांति भी इतिहास न बनती, उसको भी हम अंग्रेजों की दृष्टि से ही देख। वीर सावरकर ने ही सन 57 की क्रांति को पहला स्वतंत्र संग्राम का नाम देने का काम किया। जस्टिस कपूर जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे
उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सावरकर महात्मा गांधी के असैसिनेशन में कॉन्स्पिरेटर हैं। अगर आप उनको दे रहे हैं तो फिर गोडसे को भी देना पड़ेगा। वहीं वीर सावरकर के प्रपौत्र ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी सावरकर की ही अनुयायी थी। मैं आपको एक कांग्रेसी दिखाता हूँ लीडर जो सावरकर गत पे चलता है, इंदिरा गांधी नाम है उनका। इंदिरा गांधी ने सिर्फ पोस्टल स्टैम्प नहीं निकाला, इंदिरा गांधी ने भारत को न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज प्रदान किए, तो ये न्यूक्लियर बॉम्ब के गांधी फिलोसॉफी में है। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस अब सावरकर को लेकर कंफ्यूज हो गई है? क्या कांग्रेस सावरकर का विरोध सिर्फ धर्म निरपेक्ष दिखने के लिए करती आ रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।